मंगलवार की सुबह खरखोदा थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों शवों को सड़क पर रखकर हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। मिली जानकारी के अनुसार खड़खड़ी निवासी वीर सिंह अपनी पत्नी कैलाशी और साली विमला के साथ हापुड़ से गांव वापस लौट रहे थे। विमला के अनुसार खड़खड़ी बदौली मार्ग पर सफेद रंग की बाइक पर आए दो बदमाशों ने पिस्टल दिखाते हुए उनकी बाइक को रोक लिया। बदमाशों ने विमलों को धक्का देकर बाइक से गिरा दिया और वीर सिंह व कैलाशी से लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान उसके विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल से गोलियों की बौछार करते हुए दंपति की हत्या कर दी और बाइक लेकर फरार हो गए। कावड़ यात्रा में हर शिव भक्त कावड़ लेने जाता है और शिव भक्त केसरिया वेश में एक जैसे हो जाते हैं, चाहे फिर कोई खास आदमी हो या कावड़ लेने वाला क्यों ना हो। लेकिन हर साल गोल्डन बाबा अलग ही अंदाज में कावड़ लेने जाते हैं और उनका ये अंदाज सबको अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कल सोमवार को मुखबिर की सूचना पर बिसोली कोतवाल द्वारा मैट टीम के रेलवे स्टेशन दबतोरी के पास से उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के शातिर किस्म के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो थाना क्षेत्र में घूम फिर कर धोखाधड़ी कर असली सोना दिखाकर नकली सोना ठगी किया करते थे। इसके संबंध में थाना बिसोली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की धूम मची हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कावड़ यात्रा को उत्साह की तरह मनाया जाता है। बुलंदशहर के आरक्षी विनोद कुमार ने अपने सीओ को पत्र लिखा है। इसमें उसने बताया है कि उसे सपने में भगवान भोलेनाथ के कमंडल में जल व शिवलिंग पर विराजमान नाग देवता दिखाई देते हैं। लगता है भगवान भोलेनाथ हरिद्वार बुलाने व हरिद्वार से जल कावड़ लाने का इशारा कर रहे हैं। सिपाही ने लिखा है कि हरिद्वार ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और हरिद्वार से जल लाने के लिए 5 अगस्त से 6 दिन का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा करें। ले आए और उसने कांवड़ यात्रा के लिए एप्लीकेशन देकर छुट्टी मांगी है। एप्लीकेशन की सेंशन भी हो गई है। ये मैसेज पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे भी संज्ञान में मामला आया है कि विगत दिनों एक कांस्टेबल विनोद कुमार, जिसकी पुलिस लाइन में तैनाती है यहाँ, उसने एक प्रार्थना पत्र क्षेत्र अधिकारी लाइन को दिया, जिसमें लिखा है उसने कि मेरे सपने में भोलेनाथ आए, उनके हाथ में कमंडल है, सर्प है, गंगा जल है और ऐसी मुझे इस तरह का आदेश दे रहे हैं, तुम जाओ और कांवड़ में जल लेके आओ। इस प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी लाइन SP प्रमोद कुमार के द्वारा 6 दिवस का उसको अवकाश प्रदान किया गया। वर्तमान समय में वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गया। बिसोली संपूर्ण समाधान दिवस में 9 महीने से लगातार शिकायत कर रहा कुपरवाल परिवार, एक ऐसा परिवार जिस घर में 3 विकलांग हैं, जिनकी ना तो आज तक पेंशन बनी है और ना ही उन्हें कोई सरकारी मदद मिली है। बता दें कि करणपुर निवासी कुंवरपाल अपने 2 बच्चों और अपने पिता को लेकर 9 महीने से तहसील दिवस के चक्कर लगा रहा है। वहीं आज कुंवरपाल के पिता चंद्रपाल आज DM साहब से शिकायत करने को तड़पता रहा, पर किसी अधिकारी ने उस पर निगाह तक नहीं डाली। पर कुंवरपाल के परिवार की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। DM साहब आदेश देकर चले जाते हैं, सिर्फ 9 महीने से आदेश ही होता आ रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुंवरपाल के पिता चंद्रपाल और उसके 2 बच्चे तीनों ही अपाहिज हैं और कोई काम नहीं कर सकते। कुंवरपाल का परिवार एक ऐसे टूटे फूटे घर में रहता है जिसमें कभी भी बरसात का पानी टपकता रहता है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस लाचार परिवार की फरियाद आखिर कब तक सुनी जाएगी।